गिदर पुत्रों के तोनियो पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए सपोर्ट करिया और अपन हक अधिकार लड़ के लिया। क्या कि देखा बाबा साहब साफ साफ कह लाए कि मैं किसी समाज की उन्नति उस समाज के द्वारा किए गए पुरुषों की उन्नति से नहीं नापता हूँ, मैं उस समाज की उन्नति उस समाज के द्वारा स्त्रियों के द्वारा की गई उन्नति से नापता हूँ। यानी अगर कोई समाज तरक्की करल है, वो बड़ा बड़ा घर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले है और पता चलते घर को अगर जनाना खुद अनपढ़ है अगर सम्मान नहीं अगर मानना है तो हम उस समाज को उन लोगों को तरक्कीशील नहीं मानते। ये बाबा साहब का कथन था कि किसी समाज की उन्नति का पैमाना उस समाज की महिलाओं द्वारा की गई उन्नति से मापने का काम करते। तो सह खातिर तोहनियों के नारी शक्ति आधी आबादी तोहनी का अपना आधा अधिकार लड़ के लिए है तो तैयार है ना। और दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक स्त्री है वह तोहनी से शक्तिशाली दुनिया में क्यों ना हो। हमें हमेशा एक उदाहरण छोटे मोटे देते रहिए कि एक बढ़िया सा गमछा ले ले सभी पिंध ले हो और विकास दा कमरवा में एक छोटे मोटे पत्थर एक 2 किलो या 4 किलो के बढ़िया बेस बोल्डर पत्थर कोई गमछा में लपेट के विकास दा कमर में अगर हम बांध दे तो कई दिन कई घंटा रखे पड़ते है 10 मिनट में रखे पड़ते है तो उन्हें 9 महीना गर्भ में लेके रहे। दुनिया में एक स्त्री से पावरफुल क्यों ना हो। तो आज इस आंदोलन में तोहनी की भूमिका बहुत सराहनीय रहा है। मानव श्रृंखला से लेके जे भी कार्यक्रम में लाए हम चाहे कि आज इस नया आंदोलन में नव झारखंड निर्माण के आंदोलन में तोहनी की भूमिका अग्रणी पंक्ति में आगे होना चाहिए। तोहनियो तैयार है ना। आज घट रहा है हमने बीच आसपास में इसे बुझे पा रहा है ना, क्योंकि इस आंदोलन के नतीजा और परिणाम तबे मिलता है जब तोहनी कर भूमिका बहुत ज्यादा रहते। ठीक है, एक बात लगभग आधा दर्जन जगह हमका जाए का है और हमने जीवन तो जानिए रहा है बच्चर दिन से की रकम है। फिर कोनो दिन आए वहां तोरा गांव ढेर सारा बात रखबे बहुत सारा बिंदु में बात रखबे। आज चढ़ा चढ़ी करके और थोड़ा सा माफियो मांगा हो घरे किधर लागो तनी कुटु लेट भई गेला हो सेटा कहते तनी भूल टा माफ करिया और बाकी जितना हम नौ तय बाबू का लड़ाई तोहनी खाते लगे। उठा खा जानकारी मिली जाते 17, 18, 19 के जो कार्यक्रम रखल गया है और 60-40 नीति के विरोध में बाकी आज पुनः छोटे किधर साहब तोने ठीक है ना खाई क्या है ना भूख लागल है कि ठीक है पुनः। और साथ ही साथ आज के पुरोधा माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के देहांत भले इस मंच के माध्यम से सभा के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कराइए नमन कराइए वंदन कराइए। पुनः शहीद लीलूबारी पटलबारी हीरूबारी के जन्मभूमि जैतारा के आज कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न नमन वंदन करते हुए अपन वाणी के विराम दिए सभी के फिर से जैसे हमारे बड़ो लगा।